सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। और दोस्तों, घर गृहस्थी में आज बारी है एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाने की। काफ़ी टाइम पहले, कई महीनों पहले, मैंने अपने चैनल पे सूजी की पूरी बनाई थी, जो आपने बहुत पसंद की और बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद में वो बनती है। तो आज भी हम बनाएंगे सूजी की पूरी, लेकिन प्लेन सूजी की पूरी नहीं है। और स्टफिंग के लिए हम आलू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ ऐसा स्टफिंग में हम भरेंगे जिससे बड़े और बच्चे दोनों को सेहत भी मिले और स्वाद भी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का रेसिपी वीडियो। पसंद आए तो वीडियो के नीचे का लाइक बटन हिट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए। मेरे बाकी सभी चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खस्ता करारी पूरियां बनाना। तो दोस्तों, सूजी की पूरी हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी सूजी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप सूजी, और बारीक दाने वाली सूजी लेनी है आपको। अगर आपके पास बारीक दाने वाली सूजी नहीं है, आप मार्केट में पूछिएगा तो एक मोटे दाने वाली मिलती है और एक बारीक वाली। अगर आपके पास बारीक वाली नहीं है तो जो है उसी को आप मिक्सी में डाल के थोड़ा सा चला दें तो आपकी बारीक वाली तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप ले ली है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे लेंगे पनीर। यहाँ पे पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, साथ ही मैंने एक बड़ा आलू कद्दूकस कर लिया है। पनीर करीब मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है। इसके अलावा हम जो डो बनाएंगे सूजी का, उसमें हमें डालना होगा 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस करके लिया हुआ है। इसके अलावा हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, यहाँ पे करीब 1 बड़ी चम्मच मैंने लिए, इसे हाथ से क्रश करके डालेंगे, और मैंने 1 छोटी चम्मच भर के यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए हैं, इसीलिए मैंने पाउडर का इस्तेमाल कम किया। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल लिया है मोयन के लिए। तो चलिए आटा लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सूजी में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जो कद्दूकस करके हमने आलू रखा है वो। अगर आपके पास पहले से ही कोई उबला आलू रखा हो तो आप उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू से क्रिस्पी ज़्यादा बनती है। अब डाल देंगे चिली फ्लेक्स और कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च और नमक, जीरा और हल्दी, और हरी मिर्च और अदरक। कसूरी मेथी ना होने पर आप हरे धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे जो तेल हमने लेके रखा है। अगर दोस्तों आप खाना बनाने में बिगनर हैं और आपने ज़्यादा खाना नहीं बनाया है और आपको स्टफ करके चीज़ें बनानी नहीं आती हैं, तो आप कद्दूकस किया हुआ पनीर भी यहीं मिलाकर डाल सकते हैं और नॉर्मल पूरीज की तरह इन्हें बेल कर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टफिंग करेंगे तो स्वाद बिल्कुल डिफरेंट आएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए डो लगा लेते हैं, और आलू और तेल वगैरह की वजह से हमें इसमें पानी की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए जब भी आटा लगाएं तो पानी बिल्कुल 1-1, 2-2 चम्मच करके डालें, एक साथ ज़्यादा ना डालें। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे, और यहाँ पे पानी मैंने गर्म नहीं लिया है, नॉर्मल पानी है रूम टेम्परेचर पे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। अब हम इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तब तक बना लेते हैं स्टफिंग। और जो मैंने सूजी की आलू मसाला पूरी बनाई थी वो थोड़ी क्विक रेसिपी है, जल्दी बन जाती है, सुबह सुबह की जल्दी में अगर आप हैं तो उसे ट्राई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आप फर्स्ट कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ हमने कद्दूकस किया हुआ पनीर ले लिया है, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्च या हरी धनिया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं सूजी में मिला चुकी हूँ, थोड़ा सा गर्म मसाला, हल्का सा नमक, भी तैयार हो गई है। चलिए स्टफ्ड पूरी बनाना शुरू करते हैं। तो 10 मिनट बाद आटे पर हम ऐसे तेल हल्का सा हाथ पे लगा लेंगे जिससे चिकना हो जाए, और एक बार इसको मसल के चिकना कर लेंगे जिससे हमारा आटा और अच्छे से सेट हो जाए और हमें पूरी बेलने में दिक्कत ना आए। इस स्टेज पे अगर आपको ऐसा लगे कि आपका सूजी जो है बहुत ज़्यादा पानी सोख गई है और टाइट हो गई है, तो आप थोड़े से पानी के छींटे देके और इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं। देखिए आटा रेडी है, चलिए हम स्टफिंग भरना शुरू करते हैं। उसके लिए इसमें से एक छोटा सा पोर्शन हम ले लेंगे, और आप तेल लगा के भी बेल सकते हैं, सूखा आटा लगा के भी बेल सकते हैं, और चाहे तो इन पूरियों को ऐसे भी बना सकते हैं अगर स्टफिंग ना भरनी हो तो, पर मैं यहाँ पे भर रही हूँ। तो सूखे आटे में मैंने इसको लपेट लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और स्टफिंग इनमें नॉर्मल आप कचौरियों की तरह ना भरें, कम कम भरनी होती है। ऐसे चारों तरफ से उठा के आप अच्छे से सील कर लेंगे इसको,
खुलना नहीं चाहिए। और फिर से एक बार हाथों के बीच हम गोल कर लेंगे और दबा देंगे अच्छे से। थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। लीजिए, हमारी छोटी सी पूरी तैयार हो गई। बस आप साइज यही रखेंगे ताकि आपको बेलने में दिक्कत ना आए। तो सभी पूरी हम बेल के तैयार कर लेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह आप एक एक बेलते जाएं और रखते जाएं। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब धीरे से हम अपनी एक एक पूरी को छोड़ेंगे और इसे आप तुरंत ही ना पलटे, पहले इसको अच्छे से नीचे से फ्राई हो जाने दें। और देखिए, जैसे ये फ्राई अच्छे से हो जाएगी, फूल के ऊपर आ जाएगी। और इनको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आटा नहीं है, सूजी है, तो कच्चापन ना रहे इसके लिए आप थोड़ा आराम से इनको सेकें, जल्दी ना करें सेकने या पलटने में। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो आलू हमने डाले हैं वो आपको पहचान बता देंगे इसकी। इस तरह से ब्राउन लाइंस आ जाएंगी इस पर कि हमारी पूरी अच्छे से सिक गई है। और ये जो ऊपर से आप आलू देख रहे हैं ब्राउन हो गए हैं, ये बहुत अच्छा करारा स्वाद देंगे। तो बस अब इसी तरह से दूसरी को भी सेक लेंगे और ये बहुत ही कुरकुरी होती हैं। इन्हें आप टिफिन में भी ले सकते हैं, सफर में भी ले जा सकते हैं। देखिए, जैसे ही पूरी अच्छे से नीचे से सिक जाती है, अंदर पूरा गर्म हो जाती है, ये पफ होके ऊपर आ जाती है। तो बस इसी तरीके से आपको सेकनी है और कितनी अच्छे से फूल भी जाती है। ऐसा नहीं है कि सूजी की है तो फूलेगी नहीं, आप बिल्कुल ना घबराएं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म करारी सूजी की पनीर स्टफ्ड पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। खाने में बहुत ही कुरकुरी, करारी और मज़ेदार लगती हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो के नीचे का लाइक बटन हिट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।